मेरे कब्र की कीले जरा मजबूत रखना, मेरे कब्र की कीले जरा मजबूत रखना। वो क्या है, मुझे गिरकर वापस खड़े हो जाने का शौक बहुत है। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले प्यार के बारे में काफी लोगों ने लिखा है और काफी लोगों ने सुना भी है। ब्रेकअप पैचअप की कहानियां भी हम सब सुनते ही आए हैं। मैंने कुछ उन लोगों के लिए आज लिखा है जो ऊब गए हैं थोड़ा, कि यार कितनी बार दिल लगाए, कितनी बार प्यार में पड़े, बट मन ही मन में वो सोचते हैं कि यार अगला जो मिले वो आखिरी हो, वो आखिरी हो, दोबारा दिल ना टूटे। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि ऊब गया हूं। वही लैला मजनू के किस्से सुनते सुनते, वही प्यार की बातें बुनते बुनते। अरे नहीं चाहिए वो प्यार जो मर के अमर हो, अब तो बस वो आखिरी प्यार चाहिए जिसमें एक दूसरे के लिए तड़प हो। क्योंकि भूल जाते हैं ना वही पुरानी सी यादों को, वो दुख भरे जज्बातों को, वो अधूरी सी बातों को, क्योंकि ऊब गया हूं। कितनी बार फंसे इन जालों में, अब नहीं रोना इंतजारों में, अब बस जिंदगी भर का साथ चाहिए, अब बस वो आखिरी प्यार चाहिए। अब हम सब बचपन से सुनते हैं कि यार लव स्टोरीज में या कहानियों में कि बड़े होकर एक ऐसा इंसान मिलेगा, सोलमेट मिलेगा, कि बस वो मिल जाए और जैसे जिंदगी की सारी जो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तो उस पर मैंने थोड़ा सा लिखा था कि बचपन से सुना है मैंने कि जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हें इतना कस के गले लगाएगा कि तुम्हारे जितने भी बिखरे हुए टुकड़े हैं वो वापस सिमट जाएं। पर अब सवाल उठता है कि क्या वो बातें थी महज बातें या उनमें कुछ सबूत भी था, क्योंकि मिल लिया मैं बहुत प्यार करने वालों से, किसी का वो वजूद ना था। अरे प्यार की बातें करते देखा सबको, प्यार के वादे करते देखा सबको, पर किसी में वो वादे निभाने का जुनून ना था। इसलिए अब जिंदगी भर का साथ चाहिए, अब बस वो आखिरी प्यार चाहिए। तो क्यों, क्या है कि वो समय निकल गया जब खुद को अकेला समझा करता था, वो बचपन भी बीत गया जब खुद को अधूरा समझा करता था। क्योंकि अब बात दिल बहलाने की नहीं है, अब बात किसी को दिखावे की नहीं है, क्योंकि अब बात जज्बात की है। कोई आकर पूरा करेगा मुझको, ऐसी ख्वाहिश कभी मेरी रही नहीं, क्योंकि हैसियत मेरी कोई अधूरी कर पाए वो ताकत किसी की रही नहीं। इसलिए अब, क्योंकि भूल जाते हैं ना वही सिनेमा वाले प्यार को और याद करते हैं दादा दादी के हमेशा साथ रहने वाले एतबार को, क्योंकि अब जिंदगी भर का साथ चाहिए, अब बस वो आखिरी प्यार चाहिए। फिर मैंने आगे की कभी किसी लाइन के लिए लिखा था कि मैं जहां आज यहां तक पहुंचा हूं, स्टेज तक नहीं लाइफ में, जहां आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, काफी मुसीबतें बीमारियां का सामना करके पहुंचा हूं। तो मैंने एक लिखा था कि देखिए वक्त सबका आएगा जब वो ऊपर वाला हमें वापस ऊपर बुलाएगा, पर जो भी मुझको लेकर जाएगा उसको ये बताना चाहूंगा कि मेरे कब्र की कीले जरा मजबूत रखना, मेरे कब्र की कीले जरा मजबूत रखना। वो क्या है, मुझे गिरकर वापस खड़े हो जाने का शौक बहुत है। तो इससे ही मैं आगे का शुरू करना चाहूंगा, लास्ट की जो थोड़ी सी लाइनें हैं, कि देखिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में कुछ बनने के लिए, नाम बने, पहचान बने, तो वो वक्त आए जब सोशल हाउस वाले हमें यहाँ पर बुलाएं। हम सब ने बड़ी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए। तो मैंने इसके लिए थोड़ा लिखा था, मेरे साथ फील करिएगा कि मैं एक अभी जॉब जहाँ कर रहा हूँ, मैं सुबह मेट्रो की भीड़ में 8 बजे लोगों के साथ हाथ लटकाते हुए वहाँ तक पहुँचा, कभी कहीं पर मुँह पड़ रहे, कभी कहीं पर गिर रहे हैं, पर मन में वो एक जज्बा है कि लाइफ में कुछ करना है। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि टूटी हुई सी नींद में फिर चल पड़ा हूँ उम्मीद में, टूटी हुई सी नींद में फिर चल पड़ा हूँ उम्मीद में, कि शायद जिसकी तलाश है आज नसीब में उससे मुलाकात है। क्योंकि लड़े तो हम भी हैं दिन रात इस उम्मीद में कि आज होगी उस मंजिल से मुलाकात। अब क्या रहता है ना, लोगों को ये बताने में बड़ा कूल लगता है कि यार हमारे अपनों ने हमारा साथ नहीं दिया था, हम अपने आप ही बड़े बन गए। बट मैं उसके लिए बोलना चाहूंगा कि साथ हमेशा अपनों का पूरा था, विश्वास खुद पर कभी ना अधूरा था, पर थक जाता हूं, कभी कभी थक जाता हूं क्योंकि इंतजार लंबा होता जा रहा है, पर फिर भी उम्मीद तो है,
उम्मीद तो है कि वक्त सबका बदला है, देर से ही सही, नसीब सबका चमका है। मैंने भी सुनी है वो सफलता की कहानियां, कुछ नहीं से सब कुछ बनने की रवानियां, कि कुछ लोगों के आगे झुका था ये आसमान, कुछ लोगों ने रौंदा था वो जहान, इसलिए उम्मीद तो है। अब काफी किस्सों में ये रहता है कि कुछ लोग ना हम में ऐसी स्पेशलिटी देखने लग जाते हैं जो हमने ही नहीं देखी कभी। लोग मुझे आके बोलते हैं, कुणाल तू तो कर ही लेगा यार, तू बहुत बड़ा बनेगा एक दिन। कई बार लगता है भाई क्या बात कर रहे हो, मैं तो कभी देखी नहीं अपने में बात। तो उसके लिए मैंने लिखा था उम्मीद तो है क्योंकि अब रुकना नहीं है। बहुत लोग हैं जो तुमसे आस लगाकर बैठे हैं, दिल ही दिल में तुम्हें अपना भगवान बनाकर बैठे हैं। वो कुछ देख रहे हैं तुम में ऐसा जो तुम ही भूल बैठे, मंजिल को पकड़ते पकड़ते खुद से तुम ही रूठ बैठे। पर हटेगा ये भी धुआं, देखेंगे लोग तुम्हें भी उड़ता हुआ, क्योंकि विश्वास खुद पर पूरा है, अभी तो इस दुनिया पे सवार होना है। पर मैं जानता हूं ये आसान नहीं, कभी कभी खुद में ही दिखती है वो बात नहीं, पर कुछ तो रहा होगा उसके भी दिमाग में। यूं ही नहीं दही है लकीरें मेरे हाथ में, और इस बात की, बस इसी बात की उम्मीद तो है। Thank you.